बलौदाबाजार में साइबर सेल और पुलिस टीम ने इनाम देने का लालच देकर सोने चांदी के जेवरों की ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान जिले में महिला से सोने चांदी के जेवर की ठगी करना स्वीकार किया है। आपको बता दें कि इस अंतर्राज्यीय गिरोह द्वारा थाना लवन क्षेत्र अंतर्गत कुल 6 सिलसिलेवार ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बड़े प्रयासों के बाद पुलिस को इस अंतर्राज्यीय ठगी करने वाले गिरोह के 8 महिला और 6 पुरुष सदस्यों समेत कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपियों से 2 लाख कीमत के सोने चांदी के जेवरात और करीब 10,000 रुपये की नकदी समेत 22 मोबाइल बरामद की गई है। बलौदाबाजार से सुरेश पुरेना की रिपोर्ट। अलग अलग प्रार्थी अलग अलग जगह के हैं, कई आवेदन जो एक ही जगह के हैं, उनमें एक ही एफआईआर की गई और उनके पास से सोना चांदी बहुत बरामद किए गए, कई किलो चांदी बरामद की गई, सोना बरामद किया, कई मोबाइल फोन फिर उन्होंने चोरी किए थे वही बरामद किए गए। इनके पास छत्तीसगढ़ का एक मैप मिला है जिसमें ये लोग योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग जगहों पर जाके ये लोग इस घबराड़ी को अंजाम देते थे। तो खरसिया में हम लोगों ने पकड़ा है, वहाँ भी ये लोग कुछ प्लान कर रहे थे ऐसा कि ऐसा इस तरह घबराड़ी करने का। कहाँ के अधिकतर ये अंतर्राज्यीय गैंग है, ये लोग कई जगह काम करते हैं, ये लोग मूलतः गया, औरंगाबाद और झारखंड के।